नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान को नाको चने चबवा देने वाला MiG-27 आज भारतीय वायुसेना से रिटायर हो गया है। जी हां, MiG-27 वो बहादुर लड़ाका है जिसने कारगिल की लड़ाई में शानदार भूमिका निभाई थी। कारगिल में जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही थी, ऐसी विषम परिस्थितियों में एकमात्र जेट फाइटर अपने पास जो था MiG-27, जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किलें खड़ी की थी, भारत के लिए वरदान साबित हुआ था MiG-27। उसी MiG-27 को आज भारतीय वायुसेना से रिटायर किया गया और उसको शानदार तरीके से जोधपुर एयरबेस पर सलामी दी गई। जी हाँ, इसको वाटर सल्यूट दिया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा और आखिरी स्क्वाड्रन जो बचा था 7 MiG-27 का, उनको आज विदाई दी गई और ज़बरदस्त नज़ारा था जोधपुर एयरबेस का। आपको बता दें कि 1985 में MiG-27 को भारतीय वायुसेना में लिया गया था और इस बेड़े में, भारतीय वायुसेना के बेड़े में 165 MiG-27 थे। भारतीय वायुसेना के लिए और भारतीय सेना के लिए एक अहम भूमिका निभाने वाला MiG-27 हालांकि कई बार हादसों का भी शिकार हुआ। एक आंकड़े को अगर देखें तो लगभग 10% मिग हादसों के शिकार हुए, लेकिन भारतीय वायुसेना को इस अपने फाइटर जेट पर हमेशा गर्व रहेगा और इसीलिए आज उसको एक शानदार तरीके से विदाई दी गई है। आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में जब लड़ाई हुई, जब एक तरीके से गुरिल्ला वार पाकिस्तान ने शुरू किया था, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियाँ थी कारगिल में, कश्मीर का वो घाटी का इलाका जहाँ की भारतीय सेना नीचे की तरफ थी और पाकिस्तानी सेना ऊपर की तरफ से आकर के उन पे वॉर कर रही थी और गुरिल्ला तरीके से वॉर कर रही थी, छुप के वॉर कर रही थी, कुछ घुसपैठियों की तरह घुसे थे और कुछ इस तरीके से गुरिल्लों की तरह आकर के वॉर कर रहे थे, जिसमें भारतीय सेना को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। -डिग्री टेम्परेचर था और भारतीय सेना के जो जवान थे वो काफ़ी मुस्तैदी और चुस्ती के साथ पाकिस्तान का जवाब दे रहे थे। लेकिन ऐसे वक्त में जब भारतीय सेना थोड़ी मुश्किलों में दिख रही थी या दिखने को आई थी, उस वक्त भारतीय सेना का साथ निभाया था MiG-27 ने और इस MiG-27 फाइटर जेट ने पाकिस्तान को वो मुंह तोड़ जवाब दिया जिसको पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन आज इस फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना की तरफ से रिटायरमेंट दे दिया गया है और उसको शानदार तरीके से विदाई दी गई है। लेकिन भारतीय वायुसेना और भारत के लोग MiG-27 को हमेशा सल्यूट करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।